वज़ीर-ए-आज़म पुतिन की ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले 10 सालों से रूसी इंतजामिया अपने आवाम को दिखा रही है। अब मिस्टर पुतिन मार्च में रूस के अगले सदारती इंतखाब के उम्मीदवार भी हैं, यानी अगले 10 साल भी रूस पर वही हुक्मरानी कर सकते हैं। मगर इंटरनेट पर इन दिनों इन्हें कॉमेडी फिल्म दी डिक्टेटर के ट्रेलर में कुछ यूं देखा जा रहा है। यह फिल्म टाइटैनिक की इस पैरोडी में उनका जहाज बर्फ की एक बड़ी चट्टान की तरफ बढ़ रहा है। YouTube पर मौजूद इस म्यूजिक वीडियो को भी 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जिसमें नफ्सियाती माहिर सफेद कोट पहने मरीजों को पुतिन के लिए वोट देने पर आमादा कर रहे हैं। रूस में पिछले चंद हफ्तों के दौरान हुकूमत के खिलाफ शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक में वो नौजवान पेश हैं जो सरकारी टीवी के बजाय इंटरनेट पर इन्हसार करते हैं। मॉस्को में न्यू मीडिया की तालीम देने वाले एक अमरीकी मुबसर सैम ग्रीन के मुताबिक इंटरनेट की वजह से सरकारी टीवी की खबरों में तब्दीली आ रही है। रूसी टीवी को पिछले महीने पुतिन के खिलाफ किए गए एहतजाज की खबर चलानी पड़ी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर इंटरनेट के जरिए भी लोगों तक खबरें पहुंची कि सड़कों पर निकलने वालों की तादाद हजारों में थी, तो टीवी के लिए इस खबर को छुपाना मुमकिन नहीं रहा था। वज़ीर-ए-आज़म पुतिन के हामियों ने भी इंटरनेट पर एक जवाबी मुहिम चलाई, लेकिन इस बार भी उनके हामियों के मुकाबले में मुखालिफ ज्यादा मुस्तैद थे। उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पुतिन से सियासत छोड़ने के मुतालबे पर मबनी अपीलें जारी करनी शुरू कर दीं। प्लीज लीव पॉलिटिक्स, इट इज ऑब्वियस दैट पावर इज अ नार्कोटिक। वज़ीर-ए-आज़म पुतिन के खिलाफ इंटरनेट पर पोस्ट किए गए कॉमेंट सब ने देखे और वेबसाइट से उतार लिए जाने के बावजूद इन्हें फैलने में ज्यादा देर नहीं लगी। हुकूमत के हामियों की टेक्निकल महारत ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक और बात यह कि मिस्टर पुतिन की सियासी जमात यूनाइटेड रशिया उनकी इंतखाबी वेबसाइट पर मौजूद ही नहीं। ऐसा एक इंटरनेट ब्लॉगर एलेक्सी नेवेलनी की जानिब से अपने एक ब्लॉग में पुतिन की पार्टी को चोरों और धोखेबाजों की जमात करार देने के बाद हुआ। माहिरीन के मुताबिक रूसी हुकूमत इंटरनेट की इंफॉर्मेशन वॉर ही नहीं हार रही, बल्कि रूसी हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ इंटरनेट की मदद से अपनी मुहिम के लिए रकम भी जमा कर रही है। हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ के सियासी कारकुन एलेक्सी कोस्लोफ ने ऑनलाइन चंदों के जरिए 5,000 अफराद से $1,03,000 की रकम जमा की। ये कुछ ज्यादा नहीं है और ये अच्छी बात है कि किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि इस शख्स ने इतने पैसे कहां से जमा किए। ये चंदे सिर्फ रूस के अंदर से वसूल किए जा सकते हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि इस मुहिम को कोई बैरूनी मदद हासिल है। रूस में ओपोजिशन अपने एहतजाज की जगह और वक्त से आगाह करने के लिए भी फेसबुक और दीगर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रही है। मॉस्को में हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ के अगले एहतजाजी मार्च के नकाद में अभी कुछ दिन बाकी हैं, और अगर इस बार भी हुकूमत मुखालिफ अपना हदफ हासिल करने में कामयाब हो गए तो इंटरनेट के जरिए 1,00,000 अफराद फिर इकट्ठे होंगे। जेम्स ब्रुक के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA।